नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, कोझिकोड में स्कूल कॉलेज 17 सितंबर तक बंद। केरल में निपाह वायरस का 5वां मामला आया सामने। दरअसल केरल सरकार ने निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोझिकोड में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। दो दिन पहले राज्य में घातक वायरस से 2 मौतें दर्ज की गई थी और कल एक और नया मामला सामने आया है। कुल मिलाकर केरल में निपाह वायरस के 5 मामले सामने आ चुके हैं। निपाह वायरस के प्रकोप के मद्देनजर एहतियाती उपायों के तहत कोझिकोड जिले में आंगनवाड़ियों, मदरसों, ट्यूशन केंद्रों और प्रोफेशनल कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये छुट्टियां 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा के ईड़ा क्षेत्र में ओलंपिक सिटी और विलेज बसाने की तैयारी। खेलों के लिए बनेंगे 29 स्टेडियम। दरअसल यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 22 में ओलंपिक सिटी एवं ओलंपिक विलेज विकसित किया जाएगा। इसके लिए 442 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाली इस ओलंपिक सिटी में जहां विभिन्न खेलों के लिए 29 स्टेडियम बनाए जाएंगे, तो वहीं 52 हेक्टेयर में ओलंपिक विलेज विकसित किया जाएगा, जबकि 390 हेक्टेयर भूमि पर ओलंपिक सिटी बसाई जाएगी। मास्टर प्लान पर यूपी सरकार के मोहर के बाद अब इस पर आगे की कार्यवाही होगी। अगली बड़ी खबर, यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म, कोर्ट में आज से कामकाज शुरू, सरकार ने मान ली सभी मांगे। दरअसल हापुड़ में लाठी चार्ज के खिलाफ 13 दिनों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल आज खत्म हो गई। वकीलों ने आज से काम पर लौटने का फैसला किया है। ये फैसला सरकार की तरफ से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी के गठन के फैसले के बाद आया है। वहीं वकीलों की सभी मांगे भी मान ली गई हैं। हापुड़ के SSP और CO का ट्रांसफर होगा और लाठी चार्ज के दोषी इंस्पेक्टर सस्पेंड किए जाएंगे। हालांकि DM का नहीं होगा, SP पर कार्यवाही भी नामंजूर हो गई है। कहा गया है कि लाठी चार्ज के वक्त SP जिले में मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे अधिवक्ताओं पर लगाए गए थे उन्हें वापस लेने का भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद और धारा 144 की गई लागू। दरअसल कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने 16 सितंबर तक इंटरनेट पर बैन कर दिया है, तो वहीं पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से जुमे की नमाज घरों में पढ़ने की अपील की गई है। नूह के उपायुक्त ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि हरियाणा ने मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। नूह हिंसा में लगे आरोपों की वजह से मामन खान को राजस्थान के अजमेर से गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। अगली बड़ी खबर, आज पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल, नहीं मिल रहा पेट्रोल और डीजल। दरअसल राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का मिला जुला असर रहा है। जोधपुर, कोटा और अलवर में कुछ पेट्रोल पंप खुले हैं, जबकि श्री गंगानगर समेत अन्य जिलों में हड़ताल का व्यापक स्तर पर असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद होने से आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गए हैं। यानी आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल एसोसिएशन की ओर से वैट दरों को कम करने की मांग की जा रही है। एसोसिएशन का तर्क है कि अगर वैट घटे तो राजस्थान में पेट्रोल 16 रुपए सस्ता और डीजल 11 रुपए सस्ता हो जाएगा। वैट की दरें ज्यादा होने से प्रदेश में लगभग 250 से ज्यादा पेट्रोल पंप हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इसीलिए पेट्रोल पंप मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अगली बड़ी खबर, अविवाहित और विधवा बेटी मृत पिता की संपत्ति की हकदार, लेकिन तलाकशुदा नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अविवाहित या फिर विधवा बेटी अपने मृत पिता की संपत्ति में हकदार होती है, लेकिन तलाकशुदा बेटी पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो भरण पोषण के लिए पिता पर निर्भर नहीं होती है। हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसने पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने तलाकशुदा बेटी के पिता की संपत्ति में हकदार ना होने को स्पष्ट करते हुए कहा कि वो भरण पोषण के लिए पति पर आश्रित होती है। वो पूरे हक के साथ पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए कानून का सहारा ले लेती है, जबकि अविवाहित या फिर विधवा बेटी के पास परिजनों से गुजारा भत्ता व संपत्ति में हिस्सा लेकर जीवन यापन के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के साथ साथ पांच राज्यों में भी गठबंधन कर सकता है इंडिया गठबंधन। जल्द होगी सीट बंटवारे पर चर्चा। दरअसल इंडिया गठबंधन लोकसभा के साथ साथ पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन की संभावना तलाश रहा है। गठबंधन के घटक दलों की राज्य इकाइयां आपस में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगी। गठबंधन समन्वय समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भोपाल में एक संयुक्त रैली होगी। समिति की बैठक में टीएमसी की तरफ से कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। समिति की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भाजपा ने प्रतिशोध की राजनीति के तहत टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को समन किया है, इसीलिए बनर्जी समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। गठबंधन ने टीवी चैनलों पर सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले एंकरों के कार्यक्रम में अपने नुमाइंदों को नहीं भेजने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का बहिष्कार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, क्यूआर कोड से पेमेंट करने वाले हो जाएं सावधान, क्यूआर कोड स्कैन करते ही ठगों के खाते में चला जाएगा पैसा। दरअसल अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर कोई अन्य पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्यूआर कोड की अहमियत भली भांति पता होगी, लेकिन अब क्यूआर कोड भी फ्रॉड से अछूता नहीं रहा। क्यूआर कोड से धांधली की कई खबरें सामने आ रही हैं। फर्जी क्यूआर कोड स्कैन कर आप फंस सकते हैं। इससे आपके फोन में मेलवेयर डाउनलोड हो सकता है जो चुपचाप आपके फोन में रहकर आपकी सभी जानकारी चुराता रहेगा। असली और नकली क्यूआर कोड को देखते ही पहचान लेना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप नकली क्यूआर कोड को आसानी से पहचान सकते हैं। आप जिस क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर रहे हैं उसे एक बार गौर से जरूर देख लें। अगर उसकी शेप आपको बिगड़ी नजर आ रही है या फिर ऐसा लगे कि उस पर कुछ चिपकाया गया है तो क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें और अन्य तरीके से पेमेंट करें। किसी दुकान पर आप जब भी क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करें तो स्कैन करने के बाद शॉप का नाम या व्यक्ति का नाम जरूर देखें, दुकानदार या सेल्समैन से जरूर पूछें पैसे किस नाम पर जाएंगे, वही नाम आने पर ही पेमेंट करें। अगर दुकान या फिर व्यक्ति का नाम गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है और पेमेंट ना करें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुरू की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, मिलेंगे 1,000 रुपए, बैंक डेबिट कार्ड भी किए वितरित। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महिलाओं के लिए द्रमुक सरकार की प्रमुख 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू कर दी। एमके स्टालिन ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कई लाभार्थियों को बैंक डेबिट कार्ड भी वितरित किए हैं। मंत्रियों ने अपने अपने जिले में इस योजना की शुरुआत की है। इसके मुताबिक हर महिला मुखिया को 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत, 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 2 उत्पाद शुल्क नीति मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, उन्हें जमानत नहीं मिली क्योंकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर, शरद पवार या फिर अजीत पवार, आखिर कौन होगा एनसीपी का असली हकदार, चुनाव आयोग ने तय कर दी सुनवाई की तारीख। दरअसल निर्वाचन आयोग ने एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी, अजीत पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया था। सूत्रों ने बताया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण जानकारी पर उचित विचार करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एनसीपी में 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं, जिसमें एक का नेतृत्व शरद पवार और दूसरे का नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं और दोनों ही नेता चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावा कर रहे हैं, इसीलिए इसकी सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी। यानी इस मामले को लेकर 6 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। अगली बड़ी खबर, मुस्लिमों पर ममता बनर्जी हुई मेहरबान, ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को भेजे 80 जातियों के नाम, हिंदुओं के हिस्से में आए मात्र 7। दरअसल पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य की 87 जातियों को केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजी है। इन 87 जातियों में से 80 जातियां मुस्लिमों की हैं, जबकि सिर्फ 7 जातियां ही हिंदू समुदाय से जुड़ी हैं। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ब्रिटिश भारत में इन जातियों की स्थिति की जांच करने के लिए इंपीरियल गैजेटियर से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की 98 जातियां केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं।
अगली बड़ी खबर, एमपी और पंजाब से लेकर राजस्थान तक होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दरअसल मौसम विभाग ने आज पंजाब हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिन लगातार बारिश की संभावना जताई है। इसी तट पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उधर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, 2024 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने कसी कमर, यूपी में बीजेपी ने जारी कर दी नए जिलाध्यक्षों की सूची। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव कर दिया है। पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को पार्टी की ओर से नए जिलाध्यक्षों की सूची को जारी कर दिया गया। बीजेपी ने पार्टी संगठन के लिहाज से क्षेत्रवार 98 जिलाध्यक्ष बनाए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी की नई टीम को काफी अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 18 सितंबर से राजस्थान में डोर टू डोर जाएगी आम आदमी पार्टी, प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने शुरू किया कैंपेन। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के चुनाव में उतरने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यालय से अरविंद केजरीवाल की गारंटी के डोर टू डोर कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। विनय मिश्रा ने कहा कि आज हमारे सामने जो सियासी दल चुनाव लड़ रहे हैं वो धनवान लोगों की पार्टियां हैं, उनके पास पैसे समेत ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भी हैं, तो वहीं दूसरी प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी है, जबकि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो हर समय जनता के लिए और पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी और 18 सितंबर से राजस्थान में डोर टू डोर कैंपेन करेगी। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले मुख्यमंत्री कैंडिडेट की रेस में ना तो मैं 2018 में था और ना ही आज हूँ। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैंडिडेट पद की रेस में खुद के होने से साफ इनकार कर दिया है। भोपाल में इंडिया टुडे की पंचायत आज तक मध्य प्रदेश में शिरकत करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया से 2018 विधानसभा चुनाव में उनके मुख्यमंत्री पद की रेस में होने से संबंधित सवाल पूछा गया, तब वो कांग्रेस में थे। सवाल के जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ना तो मैं तब 2018 में मुख्यमंत्री पद की रेस में था और ना ही आज हूं। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों का किया बहिष्कार, तो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से देश के 14 बड़े एंकर्स के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गठबंधन के इस फैसले को इनटॉलरेंट एटीट्यूड करार दिया। हेमंत विश्व शर्मा ने ट्विटर पर कहा कि आज इंडिया गठबंधन ने कई जर्नलिस्ट के बायकॉट की घोषणा की है, ये वही लोग हैं जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यूज एंकर का बहिष्कार करके इन्होंने अपना इंटॉलरेंट एटीट्यूड साबित कर दिया है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि अगर ये लोग सरकार में आएंगे तो वे प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का काम सबसे पहले करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।